फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अयूबी, और मैं आई हूं फिर से आपके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेकर। तो गाइस, हम लोगों की बहुत ही सक्सेसफुली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस को। तो गाइज़, छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स सीरीज़ है उसको क्लास वन से देखिएगा। और पहले, अगर आप आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसकी पिछली जितनी भी सारी वीडियोस हैं वो सारी देखिएगा, ताकि आप लोग स्मूथली अपनी क्लासेस को रन कर सकें, अपनी क्लासेस को अंडरस्टैंड कर सकें, और साथ ही साथ समझ सकें कि आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। तो गाइज, क्लास वन से लेकर क्लास आज फोर है, इसको आप कंटिन्यूस देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। गाइज, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट होता है, बहुत सारा जो है हार्डवर्क लगता है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो अपनी जो है राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी जो है सजेशन ज़रूर दीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिएगा। मैंने देखा है कि व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। गाइज, आज की जो क्लास है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। आज मैं आपको पज़ल फॉर्म में कुछ सिखाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक पज़ल लेकर आई हूँ, एक पहेली लेकर आई हूँ, जिसमें कि आई टेल यू समथिंग्स, जिसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, इसका आंसर आपको देना है। मैं आपके कमेंट्स में आपके इंतज़ार करूंगी आपके आंसर का। तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर दीजिएगा वीडियो के एंड में, समझिएगा कि आप लोगों को क्या समझ आया है इससे, या क्या वो ऐसी चीज़ है जो इसका आंसर होना चाहिए। तो चलते हैं पज़ल की तरफ। पज़ल का नाम है गाइज, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ। तो ये बहुत सारी यहाँ पर जो है 3 पैराग्राफ्स आप लोगों के पास हैं। ये पैराग्राफ्स आपको कुछ चीज़ डिस्क्राइब करेंगे, आप लोगों को बताना है एट द एंड ऑफ द वीडियो कि ये कौन है। ठीक है, बताना है कि ये कौन है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है, आई एम योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन, मैं आप लोगों का कॉन्स्टेंट कंपेनियन हूँ, आपका साथी हूँ। दूसरा, आई एम योर ग्रेटेस्ट हेल्पर, और क्या कहता है कि सबसे बड़ा हेल्पर भी हूँ मैं तुम्हारा। और हैवीएस्ट बर्डन, या हैवीएस्ट बर्डन हूँ। देखो, 3 चीज़ें अभी तक बताई हैं, कॉन्स्टेंट कंपेनियन बताया है, ग्रेटेस्ट हेल्पर बताया है, और हैवीएस्ट बर्डन बताया है। आई विल पुश यू ऑनवर्ड और ड्रैग यू डाउन, या तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, आगे धकेलूँगा। आई विल पुश यू ऑनवर्ड, मैं तुम्हें आगे पुश करूँगा, धकेलूँगा, और ड्रैग यू डाउन, या फिर तुम्हें नीचे ले आऊँगा, नीचे घसीट लाऊँगा, या नीचे ड्रैग कर दूँगा। कहाँ पर? टू फेलियर। ओके, फेलियर यानी कि हमारी असफलता की ओर। आई एम कम्प्लीटली एट योर कमांड, मैं पूरी तरह से तुम्हारी कमांड पर हूँ। दैट मीन्स कहना चाहता है, आई एम योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन, आई एम योर ग्रेटेस्ट हेल्पर और हैवीएस्ट बर्डन, आई विल पुश यू ऑनवर्ड और ड्रैग यू डाउन टू फेलियर, आई एम कम्प्लीटली एट योर कमांड। तो गाइज, गेस कीजिए ऐसा क्या है जो आप लोगों का कंपेनियन भी है, आप लोगों का ग्रेटेस्ट हेल्पर भी है, या फिर हैवीएस्ट बर्डन है, या फिर क्या है जो आपको ऊपर ले जा सकता है, ऑनवर्ड्स ले जा सकता है, आगे ले जा सकता है, या फिर क्या है जो आपको बिल्कुल ड्रैग डाउन कर सकता है, और कम्प्लीटली ये आपकी कमांड्स पर है। ओके गाइज, तो ये क्या है, ये एक ही कोई पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, जो ये सारे काम कर सकता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं गाइज, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। आई एम ईजिली मैनेज्ड कि मैं ईजिली मैनेज किया जा सकता हूँ। यू नीड टू मियरली बी फॉर्म विद मी, तुम्हें बस दृढ़ होना पड़ेगा मेरे साथ में। ठीक है, बिल्कुल ही सिर्फ आपको क्या करना है, दृढ़ होना है, फॉर्म होना है। शो मी एग्जैक्टली हाउ यू वॉन्ट समथिंग, मुझे दिखाओ एग्जैक्टली तुम किसी चीज़ को कैसे चाहते हो, कि ये चीज़ कैसे की जाए, समथिंग डन। एंड आफ्टर अ फ्यू लेसन, और कुछ लेसन के बाद, आई विल डू इट ऑटोमेटिकली, यानी कि मुझे एक बार सिखा दो कि एग्जैक्टली तुम कैसे चाहते हो, एग्जैक्टली कुछ लेसन के बाद मैं एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली वैसा ही करने लगूंगा जैसा तुम चाहते हो। ओके, आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल ग्रेट इंडिविजुअल्स,
मैं जितने भी महान लोग हैं, जितने भी ग्रेट इंडिविजुअल्स हैं, मैं उन सबका गुलाम हूँ। एंड अलास, दुख की बात क्या है, ऑफ ऑल फेलियर्स, यानी कि ये जितने भी असफल लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ लगता है, ठीक है। तो यानी कि जिनको इसने महान बनाया है उनके पीछे भी इसी का हाथ है, और जो लोग असफल हैं उनके पीछे भी इसी का हाथ है। दोज हु आर ग्रेट आई हैव मेड ग्रेट, जो लोग महान हैं उन्हें मैंने महान बनाया है। दोज हु आर फेलियर्स आई हैव मेड फेलियर्स, और जो असफल हैं, जो महान नहीं हैं, जो असफलता की सीढ़ी पर हैं या जो असफल लोग हैं, उनको भी मैंने ही फेलियर बनाया है। तो गाइस सोचिए ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। मैं दोबारा से पैराग्राफ रिपीट कर देती हूँ। आई एम ईजिली मैनेज्ड, यू नीड टू बी मियरली बी फॉर्म विद मी, शो मी एग्जैक्टली हाउ यू वॉन्ट समथिंग डन एंड आफ्टर अ फ्यू लेसन आई विल डू इट ऑटोमेटिकली। आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल ग्रेट इंडिविजुअल्स एंड अलास ऑफ ऑल फेलियर्स एज वेल। दोज हु आर ग्रेट आई हैव मेड ग्रेट, दोज हु आर फेलियर्स आई हैव मेड फेलियर्स। दैट मीन्स आपको पैराग्राफ आई होप पूरा समझ आया होगा कि क्या कहना चाहता है। इन सब के पीछे, ये पैराग्राफ हो या ये पैराग्राफ में जो भी बातें कही गई हैं, उसके पीछे कोई एक ही बात है, कोई एक ही चीज़ है आप लोगों को बताना है, किसने असफलता पे पहुंचा रहा है कौन, और कौन वो ही सफलता की तरफ लेकर जा रहा है, तो ऐसा क्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है गाइस, बी ईजी विद मी एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू। अगर तुम मेरे साथ क्या है, अगर तुम मेरे साथ ईजी रहोगे, इफ़ यू बी ईजी विद मी आई विल डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। टेक मी, ट्रेन मी, बी फॉर्म विद मी एंड आई विल प्लेस द वर्ल्ड एट योर फीट। लेकिन अगर तुम मुझे ट्रेन करते हो, मुझे लेके चलते हो, ठीक है, मेरे साथ में फॉर्म रहते हो, दृढ़ रहते हो, तो क्या होगा, मैं दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। दैट इज लाइक बहुत बड़ी बात है कि इस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से दुनिया हमारे कदमों में होगी। तो वो चीज़ आपने बतानी है कि वो क्या है, आपको बताना है हु एम आई। ओके, लास्ट पैराग्राफ रिपीट करती हूँ। बी ईजी विद मी एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू, टेक मी, ट्रेन मी, बी फॉर्म विद मी एंड आई विल प्लेस द वर्ल्ड एट योर फीट। प्लीज़ टेल मी हु एम आई, आपको बताना है कि मैं कौन हूँ। इन सारे पैराग्राफ्स में जो बात की गई है इनको अच्छे से समझिएगा, अपने आप को सोचिएगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि अगर उसको हम ट्रेन करते हैं तो वो दुनिया हमारे कदमों में ला के रख देगी, या फिर अगर हम उसके साथ ईजी चलते हैं तो वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए गाइज आप लोग प्लीज़ बताइएगा, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। देखते हैं आज के क्विज़ का विनर कौन होता है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्विज़ पसंद आई होगी, ये पज़ल पसंद आई होगी, एंड आप लोग अपना माइंड रन करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। प्लीज़ सभी लोग कोशिश कीजिएगा, जितने भी व्यूवर्स हैं सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग आंसर करें इस क्विज़ का। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आगे भी हम लोग इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में सीखेंगे। तो गाइज़ बी कंटिन्यू विद माई चैनल, आप लोग प्लीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, उतारने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। इसका आंसर आपको मिलेगा कल की वीडियो में, सा हो सकता है मैं आप लोगों को कमेंट्स पे भी रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो गाइस प्लीज़ 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 अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वंस अगेन आई एम सेइंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।